तो हर ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। माँ शारदेय एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना दिवस सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई, अध्यक्ष अरूप चटर्जी, निर्देशक विजय महतो एवं संरक्षक केशव मिश्रा ने माँ सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब खबर विस्तार से। कराईगेला पंचायत में स्थित माँ शारदेय एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना दिवस सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई, अध्यक्ष अरूप चटर्जी, निर्देशक विजय महतो एवं संरक्षक केशव मिश्रा ने माँ सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई में पूरा ध्यान देने की जरूरत है, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है। उन्होंने कहा, आज इस एजुकेशन सेंटर ने छात्र छात्राओं को पढ़ाने का मेहनत किया था, वह सबके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ के बच्चों ने मैट्रिक में 92% तक अंक लाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा, चक्रधरपुर एवं बंदगांव प्रखंड में पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है, जिसमें बच्चों को JPC, रेलवे, बैंक, शिक्षक एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराएंगी। उन्होंने कहा, पढ़ाई में अब गरीब बच्चों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उन्हें हर संभव मदद एवं सहयोग किया जाएगा। मैट्रिक टॉपर को कार्यक्रम में गोल्ड मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बम बम बोले गीत पर जमकर कलाकारों ने ताली बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को चौल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विजय महतो एवं अरूप चटर्जी ने भी शिक्षा पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रधान, डॉक्टर तुलसी महतो, प्रशांत साहू, नितेश मंडल, ममता महांती, सपना साहू, प्रियंका साहू, रूना प्रजापति, सीमा एवं संजू मंडल समेत काफी संख्या में अभिभावक एवं ग्रामीण उपस्थित थे। इस आज के इस हॉल में एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सा प्रतिभा समान कार्यक्रम में आज इस माँ शारदेय एजुकेशन सोसाइटी के संचालक विद्या सर, संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए उन बच्चों के अभिभावक, पड़ेकला क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध लोग, मीडिया के लोग और हमारा संस्था से आए हुए तमाम लोगों को आज मैं जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं आज के कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं विद्या सर का आभार प्रकट करना चाहूंगा और इस मंच से आपने उन बच्चों को मान सम्मान देकर आप शिक्षा के लिए जो कर्तव्य और जो उत्तरदायित्व आपने दिखाया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चूंकि समाज में ऐसे कमजोर होते हैं जो शिक्षा जैसे धन संपदा को आगे बढ़ाने में बहुत कम योगदान देते हैं। चूंकि मैं एक कॉलेज का एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं, रांची वुमेन्स कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन जो बच्चे BA और MA लेवल के होते हैं और वो PhD लेवल के होते हैं, लेकिन आप जो न्यू होता है एक
व्यक्ति का आप उस नींव को मजबूत कर रहे हैं, तो ऐसा नेक कार्य के लिए मैं आपका बार बार और तहे दिल से खुले मन से मैं आपका प्रशंसा करना चाहूंगा। आपका जितना भी मैं तारीफ करूं शब्दों में कम पड़ेगा। मैं इन छोटे बच्चों को इनका आज जो साई फाउंडेशन से आप जो स्कूल चला रहे हैं, आपका ये कार्य भी काबिले तारीफ है। और अभी आप इसी मंच में कई बच्चों को सम्मानित करके समाज को जो संदेश दिए, ये भी आपका काबिले तारीफ है। अभी एक नाम जो हमारे बीच में आया, रुबाना परवीन, ये हमारे समाज के उस वर्ग से बिलोंग करती है जहां लड़कियों को पढ़ने का सुअवसर कम मिलता है, लेकिन आज रुबाना परवीन आज ना सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र का एक आइडियल है, एक आदर्श है। इसके अलावा और बाकी भी जो इस मंच से सम्मानित हुए हैं, उनका मैं मेहनत और प्रतिभा का भी मैं उनको सम्मान देता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। आप एक रोशनी हैं, आप एक दिया है, आप आगे बढ़े। चूंकि मैं एक समाज सेवी के साथ साथ एक टीचर भी हूं, आपका जो भी सपना है, आपको जो भी बनना है, मैं आपके हर स्टेज के लिए मैं आपके साथ हूं। आज इस समय से मैं घोषणा करता हूं कि रुबाना परवीन आप अकेले ना समझे, जैसा भी विजय सर ने कहा था कि गरीबी दिमाग से नहीं होती है, गरीबी कर्मों से होता है। तो आप एक मिसाल है, आप दिमाग से ज्ञान से बहुत अमीर है। आप मैं उन तमाम आज यहां जो सम्मानित हुए उन तमाम स्टूडेंट्स को और इसके अलावा आप भी जो बाकी बच्चे हैं, मैं आपके भविष्य के लिए आपका करियर का मैं एक आपका भी मैं सहयोग करना चाहता हूं। आप मुझे मौका दीजिए और आज इसी मंच से मैं आपको मेरा संस्था का जो कार्य है, आगे का जो प्लान है, चूंकि ये एक शिक्षा का मंदिर है, मैं इसी मंच से आपको एक सूचना देना चाहता हूं और ये घोषणा करना चाहता हूं। मैं चूंकि अभी जैसे विजय सर करंट है, एक लड़का जो परसा बाहर में